जानते पाकिस्तान की बैटिंग कैसी रही। पाकिस्तान की बैटिंग खुशहाल नहीं रही, बिल्कुल ख़राब रही है पोजीशन पाकिस्तान की, क्योंकि मोहम्मद आसिफ को जब वन डाउन आना था उनको वन डाउन नहीं भेजा गया। सही है, इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। बॉलर से क्या उम्मीद है बाबत है? क्या वो हमें जश्न का मौका देंगे या फिर हम वाला सॉन्ग देंगे तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, इस सॉन्ग की उम्मीद रखे? बॉलर से कोई उम्मीदें नहीं रखे? नहीं नहीं रखे। ये मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को खिलाया नहीं गया, बहुत नाइंसाफी की है। सही, सरचिल खान को खिलाया नहीं गया, बहुत नाइंसाफी। ए आउट हो चुके हैं, कामयाबी नहीं गई, ए आउट हो गए। और ये इंग्लैंड की पहली विकेट गिर चुकी है। अब चलते हैं हम इंग्लैंड के सपोर्टर के पास, उनसे जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं। और जनाब जितना के आपने देखा होगा इंग्लैंड की पहली विकेट गिर चुकी है, ये हमारे पास कराची का नौजवान जो इंग्लैंड की सपोर्ट कर रहा है, क्या कहेंगे इंग्लैंड की पहली विकेट गिर गई है? गिर गई है तो दूसरा आएगा इंशाल्लाह, जीत जाए। और क्या उम्मीद है कि क्या पाकिस्तान मैच विन करेगा या इंग्लैंड? इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड को सपोर्ट करने की वजह? हम इंग्लैंड को सपोर्ट करने की। तो सपोर्ट करने की वजह ये है कि हमारे शहर में आई हुई है, इस वजह से हम कर रहे हैं सपोर्ट। बड़ी बात है भाई, बड़ी। और ये हमारे इंग्लैंड के सपोर्टर के साथ हमारे पाकिस्तानी सपोर्टर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बैटिंग तो बड़ी मायूस कुन रही, बॉलर से क्या उम्मीद है? बॉलर से इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह। जश्न मनाने का मौका देगी इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान, ये हमारे इंग्लैंड के सपोर्टर और ये साथ ही हमारे पाकिस्तान के सपोर्टर, कराची के लोग बड़े ही जिंदा दिल है मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। भाई क्या उम्मीद है पाकिस्तान की टीम से? जूझ दीजिएगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। 166 का टारगेट दिया गया, क्या ये टारगेट अच्छा साबित होगा? इंशाल्लाह जी रहेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बॉलर किस हद तक इसको कवर कर सकेंगे? नसीम शाह है ना बस। आप चाह रहे हैं कि नसीम शाह ने जिस तरह आखिरी में छक्के लगाए थे अभी भी अपनी बॉलिंग के जरिए विकेट उड़ा दें? हैट्रिक, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्राउड बहुत पुरउम्मीद और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी इस मैच को विन करेंगे।